शासकीय विधि कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ मारपीट करने वाले नकाबपोश बदमाशों की पहचान होने के बाद पुलिस ने देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह विधि कॉलेज आसपास अपराध की तस्दीक करते हुए दोनों का जुलूस निकाला गया। मंगलवार शाम शासकीय विधि कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण पिता विष्णुकांत शर्मा के साथ कॉलेज के बाहर ही दो नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर दी थी। कॉलेज स्टाफ ने बीच बचाव किया था। बदमाशों ने स्टाफ को भी धमकाया था और भाग निकले। प्रोफेसर की शिकायत पर नागझरी पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। बुधवार को दोनों बदमाशों की पहचान कर ली गई। एक सुदर्शन नगर का रहने वाला राहुल पिता भारत सिंह सोलंकी है, वहीं दूसरा सौरभ पिता सुधीर नागर ऋषि नगर का होना बताया गया, जिनकी देर रात गिरफ्तारी कर ली गई। आज सुबह दोनों को घटना की तस्दीक के लिए पैदल जुलूस के रूप में विधि कॉलेज तक ले जाया गया, जहां पुलिस ने बदमाशों से मारपीट के बाद भागने का रास्ता भी पूछा। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हुई मारपीट में बदमाशों द्वारा उपयोग की गई बाइक भी जब्त की गई। टीआई विक्रम इवने ने बताया कि बदमाशों को दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया गया। विदित हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ने एलएलबी परीक्षा के दौरान दोनों बदमाशों को परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को नकल कराने से रोका था। कॉलेज प्रिंसिपल से शिकायत कर दोनों को विद्यालय परिसर से बाहर करवा दिया। इसी का बदला लेने के लिए दोनों बदमाशों ने प्रोफेसर के साथ मारपीट कर दी। घटनाक्रम के बाद मामला आग की तरह फैल गया। कुछ दिन पहले इंदौर में महिला प्रोफेसर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी गई थी। महिला प्रोफेसर की कुछ दिन चले उपचार के बाद अस्पताल में मौत हो गई। दूसरी घटनाक्रम शासकीय विधि कॉलेज में सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी थी। हाँ, कल थाना क्षेत्र में लॉ कॉलेज में एक प्रोफेसर है, उन्होंने शायद किसी एग्ज़ाम के दौरान कुछ अनावैधिक गतिविधियाँ देखी होगी। लड़कों की जो बाहर रहते हैं, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं होता है, वो लोग भी चेक करते रहते हैं, पुलिस बल भी लगा रहता है, तो उन्होंने कुछ लोगों को रोका था, ऐसा उन्होंने बताया। और शाम को जब कॉलेज परीक्षा ख़त्म होने के बाद में वो अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान दो अज्ञात लड़के आए मुँह पे कपड़ा बांध करके और उनके साथ मारपीट करी और वहाँ से फरार हो गए। हाँ, कुछ वहाँ पे जो चश्मदीद थे उन्होंने वहाँ पे फ़ोटो लिए थे, जिसकी जांच हम कर रहे हैं और उस पर अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और उनकी तलाश जारी है, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे।